हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज कंटिन्यू कर रही हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट दर इज पार्ट ऑफ बीएससी पार्ट वन एज वेल एज़ एमएससी एस पार्ट वन लेट्स बिगिन टू डेज टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स जो है बहुत कॉमन शुगर्स होती हैं सो so, इनको जो है हम कॉमनली बोलते हैं दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ सुगर्स जिनको हमने यहाँ पर मैंने एक क्लासिफिकेशन चार्ट की फॉर्म में आपको डिस्क्राइब किया है तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो तीन तरह के होते हैं मोनोसेक्राइड्स ओलिगोसेक्राइड्स एंड पोलीसेक्राइड्स मोनोमीन्स सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स जिनके मतलब हम देखें बहुत सिंपल टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स हैं यदि इनका हम बेसिक फॉर्मूला देखें तो सी एन एच टू ओ एन का होल एन तो मीस जो कार्बन का नंबर हम देखें वो एन से हमने यहाँ बताया कितने कार्बन हो सकते हैं और तो जनरली जो हम देखते हैं जैसे ग्लूकोज है फ्रुक्टोज है ये सभी हमारे जो हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं या हम कह सकते हैं मोनोसेक्राइड्स हैं मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं एल्डोजिस एंड कीटोजिस फ़र्क कितना है एल्डोजिस के अंदर जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है और कीटोजिस के अंदर जो है वो कीटोन ग्रुप होता है जैसे यहां पर हम देख सकते हैं ये जो है वो क्या है एल हाइड ग्रुप सी एच ओ सी एच ओ जो डेस्क्राइब करता है ये एलकाइल ग्रुप लगा हुआ है एलकाइल ग्रुप और यहां पर ये एल हाइड ग्रुप है इसी तरह यहाँ दो एल्काइल ग्रुप के बीच में सी डबल बॉन्ड ओ तो ये कीटोन ग्रुप होता है तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल हम देखें एल्डोज और कीटोजेस का तो एल्डोज का एग्जाम्पल है ग्लूकोज तो ग्लूकोज का जो फार्मूला है स्ट्रक्चरल फार्मूला ये हम मोलिकुलर फार्मूला है तो उसको हम इस तरह से जो है फॉर्म करते हैं तो उसमें हम देखें तो यहाँ पर सी एच ओ मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप है तो जो ग्लूकोज है वो हमारा जो है मोनोसेक्राइड है जो कि एल्डोजिस के अंदर कैटेगराइज़ किया जाता है इसी तरह कीटोजिस के अंदर जो कैटेगराइज़ किया जाता है वो है हमारा फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज के अंदर हम देखें तो सेकेंड पोजिशन पर जो है वो सी डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है तो ये जो है कीटोन ग्रुप है तो इसीलिए जो फ्रुक्टोज है उसको हम कीटोजिस के अंदर क्लासीफाई करते हैं अब बात करते हैं ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर हम देखें तो टू टू टेन मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स जिनने चेन मतलब चेन होती है एक पूरी श्रृंखला होती है जिसके अंदर दो से लेकर दस मोनोसेक्राइड यूनिट्स होती हैं ये जो है थ्री टाइप्स के होते हैं और भी हो सकते हैं लेकिन डाई जो कॉमनली है वो थ्री टाइप्स के होते हैं डाई सेक्राइड और टेट्रासेक्राइड डाई का मतलब टू मोनोसेक्राइड यूनिट्स मतलब दो मोनोसेक्राइड यूनिट मिलकर एक डाई सेक्राइड का फॉर्मेशन करते हैं इसका सम, जो एग्जांपल्स हैं सुक्रोज है मेल्टोज है, है लेक्टोज इत्यादि तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चरली मैंने यहाँ पर दो के जो हैं स्ट्रक्चर फॉर्म किए हैं सुक्रोज और लेक्टोज के तो सुक्रोज का स्ट्रक्चर हम देखें कौन से दो जो मोनोसेक्राइड्स हैं जिनने मिलकर सुक्रोज की यूनिट को फॉर्म किया है दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दैट इज़ पार्ट ऑफ़ फ्रुक्टोज एंड दैट इज़ द ग्लूकोज तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलके जो है सुक्रेज़ का फॉर्मेशन कर रहे हैं इसी तरह हम देखें जो हमारा गलेक्टोज है क्योंकि गैलेक्टोज भी जो है वो हमारा मोनोसेक्राइड है तो यहाँ पर जो गैलेक्टोज है तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज़ दोनों मिलकर जो है वो लैक्टोज का फॉर्मेशन कर तो इसके अंदर एक गैलेक्टोज़ की यूनिट है और दूसरी यूनिट जो है वो ग्लूकोज की है तो इस तरह से जो है डाई फॉर्म होते हैं अब ट्राई की बात करें तो ट्राई के अंदर थ्री मोनोसेक्राइड्स होते हैं जिसका एक एग्ज़ाम्पल है रेफिनोज तो रेफिनोज के अंदर हम देखें एक ग्लू गैलेक्टोज़ की यूनिट एक ग्लूकोज़ की यूनिट और एक फ्रुक्टोज़ की यूनिट दी है तो इसके अंदर ये तो गैलेक्टोज की यूनिट है ये जो है वो ग्लूकोज़ की यूनिट है और ये जो है फ्रुक्टोज़ की यूनिट है इन तीनों ने मिलकर जो है वो रेफिनोज को फॉर्म किया है दैट इज़ ए टाइप ऑफ ट्राइसेक्राइड तो इसी तरह से ट्रेट्रा सक्राइड्स भी होते हैं उसके अंदर जो है फोर मोनोसेक्राइड फोर डिफरेंट मोनोसेक्राइड भी हो सकते हैं और सिमिलर मोनोसेक्राइड्स भी होते हैं जो है वो टेक्ट्राफो सेक्राइड्स जो है वो फॉर्म करते हैं लास्ट हमारे आते हैं पॉलीसेक्राइड पॉली का मतलब बहू बहुत सारे तो पॉलीसक्राइड्स मैनी मोनोसेक्राइट्स यूनिट्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन यहाँ पर बहुत सारे जो मोनोसेक्राइड्स हैं मिलकर एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं और जो पॉलीसेक्राइड्स हैं वो दो टाइप के होते हैं होमोपोलीसक्राइड्स और हिटरोपोलीसेक्राइड्स होमो का मतलब सिमिलर टाइप तो यहाँ पर जो भी मो यहाँ पर जो मोनोसेक्राइड्स होंगे क्योंकि बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स मिलकर जो है फॉर्म हो रहे हैं तो जब सिमिलर टाइप के मोनोसेक्राइड्स मिलकर जो स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे दैट इज़ होमोपोलीसक्राइड तो पॉलीमर ऑफ सेम मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स इसका एग्जाम्पल है स्टार्च एंड सेल्यूलोस स्टार्च के अंदर जो देखें वो ग्लूकोज़ की नंबर ऑफ़ यूनिट्स मिलके जो स्टार्च का फॉर्मेशन करती हैं और ग्लूकोज़ की नंबर ऑफ़ यूनिट्स मिलके सेलुलोज का फॉर्मेशन करती हैं बट दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है जो लिंकेज है वो एल्फ़ा वन फोर लिंकेज है जबकि जो सेलुलोज के अंदर हम देखें वो बीटा वन फोर लिंकेज होती है तो इस तरह से दोनों के अंदर हमें ये डिफरेंस दिखाई देता है दोनों हैं होमोपोलीमर लेकिन एक अल्फा वन फोर लिंकेज से कनेक्ट है और एक बीटा वन फोर लिंकेज से कनेक्ट है इसके बाद बात करते हैं हिटरोपोलीमर की हिटरोपोलीमर मीन्स पॉलीमर ऑफ डिफरेंट मोनोसेक्राइड यूनिट्स मतलब जो वहाँ पर जो मोनोसेक्राइड यूनिट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हैं जैसे मान लो मैंने यहाँ पर है तो जैसे डाई के अंदर था एक ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज था तो ये जो है दोनों डिफरेंट यूनिट हैं लेकिन ये डाई सेक्राइड है पॉली के अंदर नंबर ऑफ जो सेक्राइड्स हैं या जो मोनोमर्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी यहाँ पर हम देखें जो एग्ज़ाम्पल है हमारा कॉन्ड्रोटिन सल्फेट कॉन्ड्रोटिन फोर सल्फेट तो कॉन्ड्रोटिन फोर सल्फेट जो फॉर्म होता है वो ग्लूकोरनिक एसिड प्लस एन एसिड एल गैलेक्टोसेमी सल्फेट तो ये दोनों जो हैं वो अपने आप में जो है कई सारे जो नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड से मिलकर बने हुए हैं तो ये जो मोनोसेक्राइड्स से हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं जो मोनोसेक्राइड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिल के जो ग्लूकोनिक एसिड और एन एसिटाइल गैलेक्टोसेमिन सल्फेट को फॉर्म किए हैं उन दोनों ने मिल फिर फॉर्म कर दिया कॉन्ड्रोटिन फोर सल्फेट तो इस तरह से जो फॉर्म हुआ दैट इज़ हिटरो पॉलीमर तो इस तरह से हम जो है देख सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको किस तरह से क्लासिफाई किया गया ये बहुत सिंपल टाइप से मैंने एक छोटा सा क्लासिफिकेशन आपको एक्सप्लेन किया है आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैंसन करें और मेरे वीडियोज यदि आपको पसंद आ रहे हो तो उन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें थैंक यू सो मच